आया था सोना के अंदर, जो सोना गुड़गांव एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके ऊपर तो मेरी भी चर्चा हुई थी आज एन एच के भी लोगों को हमने बुलाया था। और किस तरह से नई रूलिंग है कि 315 रुपए के अंदर 20 किलोमीटर के दायरे में गाँव को वहाँ पास बनाने की सुविधा दी गई, तो वो इनने डेडिकेटेडली वहाँ टीम भी लगा दी है। और कल सुबह एक 3 सदस्य कमेटी इनकी जो धरना पे बैठे थे लोग, हमारे NH और PWD के अधिकारी मिलकर पूरे उसका रिव्यू भी कर लेंगे। और अगर वो टाइम फ्रेम के अंदर काम कंप्लीटेड है तो जितने लोगों के पासेस बढ़ने हैं 20 किलोमीटर के एक्सपेडिशियसली उसको देखें, सारी जगह ही है। और ये अमेंडेड गाइडलाइंस है NHAI की, जो पहले 10 किलोमीटर होता था उससे पहले 5 किलोमीटर था, उसको बढ़ाकर 20 किलोमीटर NH ने कर दिया है। तो NH के अंदर जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ 20 किलोमीटर का रेडियस बनता है, उन सारे गांवों को हम इसके अंदर कर पूरी तौर पर हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ की एक कमेटी बनाई गई थी उनकी बैठकें भी जारी हैं, निरंतर वो रिव्यू भी कर रहे हैं। और आगे जैसे चुनाव डिक्लेयर होंगे दोनों पार्टियां मिलकर आगे कैसे बढ़ना है। IL के लिए हरियाणा ने अपना पक्ष साफ कर दिया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि केंद्र इंटरवीन करके दोनों प्रदेशों की बैठक करे और डिवीजन के ऊपर जल्दी फैसला करे। केंद्र ने कई बार पंजाब को इंटीमेट किया कि भी आप आओ चर्चा करो, मगर वो चर्चा नहीं। अब आखिरी में हरियाणा ने भी केंद्र से यही आग्रह किया है कि अब आपके सुप्रीम कोर्ट में जवाब देकर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ही आदेश जारी करना है। डिवीजन ऑफ बॉर्डर उनके आदेश में।